दोस्तों, टीएफटी रंग संवाद के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज टीएफटी रंग संवाद के इस सेशन में हमारे साथ हैं पूर्व प्रोफेसर, पूर्व डीन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज जी। वर्ष 2005 में आपको संगीत नाट्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया गया और रंगमंच के कई नाटकों का आपने निर्देशन किया, दस्तावेजी फिल्म का बनाया आपने, दूरदर्शन के कई कार्यक्रमों का आप निर्माता व निर्देशक कार्य कर चुकी हैं, अनेक फिल्म फेस्टिवल के आप ज्यूरी मेंबर रह चुके हैं, अनेक ऐसी अकेडमीज हैं, ऐसी भारत सरकार की संस्थान है जिनके ऊपर आप एक्सपर्ट कमेटी के बतौर जो है आप रह चुके हैं। तो आइए मिलते हैं, चर्चा करते हैं एक लेखक, निर्देशक, सेट व लाइट डिजाइनर प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज जी से। सर नमस्कार जी। नमस्कार सुरेश जी, कैसे हैं? ठीक सर, आपका स्वागत है आज के इस टीएफटी रंग संवाद के इस कार्यक्रम में। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी सर, सबसे पहले तो आप अब दिल्ली से मुंबई जो है वहाँ पर आपने अपना जो कार्यक्रम स्थापित कर लिया, वहाँ रहायश आपकी वहाँ चली गई है, तो इसकी भी आपको नए स्थान की भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद भी करते हैं कि खासतौर के ऊपर ये जो पिछला 2 साल रहा है हम सब के लिए मतलब पूरे विश्व के लिए ही ऐसा रहा है कि ये जो कोरोना का महामारी का ये काल रहा है, ये संकट रहा है, इसमें सारी दुनिया एक जगह स्थिर रह चुकी है, लेकिन फिर भी जो कलाकार हैं वह क्रिएटिव लोग कुछ ना कुछ अपनी जगह पर, अपने स्थान पर बैठकर कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहे, कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी समाज के साथ लगाए रखे हुए हैं और कोई ना कोई एक दिशा निर्देशन का काम करते रहे। ऐसा ही आपने भी बहुत सारा इस दौरान किया होगा, वह अनुभव हम सब आपसे लेंगे। और हम ये चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज जी, जब आपकी रंग यात्रा शुरू हुई वह किस शहर से हुई, वह किस आयु से शुरू हुई, वह क्या पड़ाव था, स्कूल का था या कॉलेज का कोई यूथ फेस्टिवल था, कैसे आपको समझ पता चली कि यहाँ कोई एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, वहाँ से आपने जो है ग्रेजुएशन करने के बाद तो वहाँ कैसे प्रोफेसर का पद तक पहुँचे, ये अगर छोटी सी अगर जानकारी दें, फिर उसके बाद आपके अनेक अनुभवों से हम जो है अनुग्रहित होंगे। जी सर। जी जी ज़रूर सुदेश जी, थोड़ी सी मुझे अगर मैं पीछे जाता हूँ तो थोड़ा सा मुझे धुंधली सी कुछ यादें हैं। मैं शायद चौथी या पांचवी कक्षा में पढ़ता था, स्कूल में बच्चों के नाटक होते हैं तो हमारे हिंदी के टीचर थे और नाम मैं उनका मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सब उन्हें प्यार से मामा जी बोलते थे। तो उन्होंने मुझे एक विवेकानंद का एक रोल तैयार करवाया और मुझे लाइनें अभी तक याद हैं, अलविदा अलविदा है प्यारे शहर, अलविदा अलविदा प्यारी राबी, अलविदा, इस तरह की कुछ चीज़ें थीं। तो वो मेरा पहला मंच पे लोगों के सामने पहला एक कदम था जो मुझे लगा कि मैंने वहाँ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बाद में मुझे प्रथम पुरस्कार के रूप में कुछ 4-5 किताबें मिली तो उस पे नाम लिखा गया था, इनको प्रथम पुरस्कार के तौर पे ये किताबें दी जाती हैं। वहाँ घर वाले भी बड़े खुश हुए, लेकिन तब मेरे दिमाग में दूर दूर तक नहीं था कि मैं इस नाटक विधा से जुड़ जाऊँगा। मैं अच्छे बच्चों की तरह पूरा शिक्षा की तरफ ध्यान देता रहा। मैं तब हायर सेकेंडरी होती थी, 11वीं तक हमने पूरी अपना शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, बहुत कुछ हुआ। अब जब मैं ग्रेजुएशन के पहले साल में आया तब दिल्ली कॉलेज होता था जो अब जाकिर हुसैन कॉलेज है, तो मेरा परिचय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से काफ़ी हुआ, उधर आना जाना शुरू हुआ। तो हमारे सीनियर थे एक रमाशंकर निशेश जी जो अमेरिका में चले गए, पिछले साल 1-2 साल पहले उनका देहांत हुआ। तो रमाशंकर निशेश जी, MS आज़ाद जी, ये सब लोग वहाँ पर एक ड्रामा क्लब चलाया करते थे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में। तो मैं किताबें पढ़ने गया था शाम को, वहाँ पर एक हर शनिवार को एक सभा होती थी जिसके अंदर हर कोई अपना कुछ गाना सुना रहा है, कोई अपनी मोनो एक्टिंग कर रहा है,
कोई सोलो कर रहा है छोटा छोटा सा, तो उसको कंडक्ट करते थे, तो वो ड्रामा क्लब की मेंबरशिप थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने जब यहाँ आते हैं तो कम से कम शनिवार को वहाँ जुड़ जाएं, तो उससे मेरा पहले जुड़ाव हुआ। उसके साथ साथ फिर मैं उनका एक निजी ग्रुप भी था जो वो चलाते थे, प्रतिबिंब, तो उसके अंदर मेरा ख्याल 1972 में मैंने पहला नाटक किया था, यूनाइटेड फ्रंट। तो वो बाद में भी जो यूनाइटेड फ्रंट एक ऐसा पॉलिटिकल सेटायर था, वो छप भी चुका है नाटक उनका, निशेश जी का, जो बाद में पॉलिटिक्स की स्थिति हुई कि तरह तरह के दल होते हैं, हर एक कोई मिलकर के अपनी सरकार बनाता है और फिर वो गिर जाती है, वो चाहे यूपीए हुआ या और भी तरह के जो एक्सपेरिमेंट हुए, या खासतौर से इंदिरा जी के जाने के बाद 77 के बाद जो जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था, तब हमने देखा कि वो उसी तरह से एक एक साल डेढ़ साल के बाद कुछ पलट रहा है, चीजें घट रही हैं। तो उसको लेकर के वो समसामयिक पहला नाटक मुझे करने को मिला, तो फिर मेरा उसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया। वो एक डेढ़ महीने की रिहर्सल थी, और आप जानते हैं जब रिहर्सल करते हैं आप इस उम्र के अंदर, मैं मेरा ख्याल कोई 20-21 साल का था, तो वो जो पैशन होता है उस वक्त, तो उस पैशन के साथ मैं उसके साथ जुड़ा, और फिर ऐसा जुड़ा कि मुझे लगा कि नहीं, अब तो यही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो वहां से फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि शंकर मार्केट के अंदर इप्टा है, तो इप्टा में कुछ लोग काम करते थे, वहां आना जाना शुरू हुआ। फिर लिटिल थिएटर ग्रुप का मुझे पता लगा जो शंकर मार्केट में था, और तब उनका ऑडिटोरियम कमानी के पास बन रहा था, तो मैं लिटिल थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ा। वहां बीएम शाह नाटक किया करते थे, बलराज पंडित नाटक करते करवाते थे, डायरेक्टर थे, तो बलराज पंडित जी के साथ नाटक किया एक लोग उदासी करके, जो उन्होंने शायद पंजाब में भी किया था, उसके अंदर नाटक किया। तो वहां रहते हुए फिर मेरे को पता लगा कि बगल में ही कमानी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का समर फेस्टिवल हो रहा था, 75-76 की बात है, तो मुझे पता लगा यार ये तो बड़े मतलब एक हम जिस तरह से नाटक करते हैं और ये जो एक्टर हम देख रहे हैं, मनोहर सिंह को हमने देखा, उत्तरा भावकर को देखा, सुरेखा सीकरी को देखा, राजेश विवेक को देखा मंच पर परफॉर्म करते हुए, अनुपम खेर, अनंग देसाई, तो क्या बात थी उन लोगों की। मैंने कहा यार इस स्तर तक तो ये कैसे करते होंगे, तो और हर चीज में प्रोफेशनलिज्म, कॉस्ट्यूम में, हैंडल करने में, सीन्स में, लाइटिंग में, तो पता लगा जी ये तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बगल में ही है। तो अब हमारी वहां पर बस शुरू हो गया कि यार यहाँ तो करना ही है। तो 1977 में मैंने वहां पर अप्लाई किया और मुझे स्कॉलरशिप के साथ वहां पर ले लिया गया, तो एक सपना साकार हुआ। और फिर तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के तीन साल में भी पढ़ने लिखने में अच्छा था। अब हमारे कई दोस्तों में ये रहता था कि डिसिप्लिन पे कि कौन सबसे ज्यादा अटेंडेंस किसकी होंगी, सबसे ज्यादा नंबर किसके होंगे सब्जेक्ट के अंदर, तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आते रहते थे, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं था। असल तो ये थी कि काम करना है, वो चाहे बैक स्टेज हो या एक्टिंग हो। तो मेन रोल भी हमने खूब किए, गोस्ट में मैंने ऑसवर्ल्ड का रोल किया, कारण जी ने प्ले किया था शाहजहां, उसमें औरंगजेब किया मेन रोल था वो भी, तो काफी चर्चा में एक्टिंग के तौर पे भी आया और डिजाइन में भी बड़ा मजा आता था, तो डिजाइन भी किया। तो जैसे ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खत्म हुआ, कारण जी फिर मेरे को अपने साथ वहाँ भारत भवन बन रहा था, भारत भवन का रंगमंडल, तो एक टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पर मुझे वहाँ ले गए। तो लगातार फिर उसके बाद तो एक लंबी कहानी है, मेरे ख्याल 84-85 के बाद का मेरा जो काम है वो तो लगभग सभी के सामने एक पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो गया था। तो लेकिन ये जो मेरा 72 से लेकर के NSD करने का 80-81 तक और जाने तक का वो सफर था, वो रहा। उसके बाद तो नाटक ही नाटक रहा, बीच में फिर थोड़ा फिल्मों की तरफ रुझान हुआ, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि जब दिल्ली के मैं भोपाल में था, और भोपाल में भी मेरे साथ ये हुआ कि मैं दिल्ली का लड़का था, तो अब 2-3 साल भोपाल करने के बाद ये हो गया कि मैं वहां पर टेक्निकल डायरेक्टर लाइट के तौर पे चुना गया था। अब NSD के अंदर तो थोड़ी विविधता मेरे को मिल जाया करती थी, लेकिन वहां पर मुझे लगा कि अब वहां जो नाटक तैयार हो गए, घासीराम कोतवाल जाते ही तैयार हुआ था, 2 किश्तियों का सवार हुआ था, तो उसके अंदर अब वो लाइट, वहां तो मतलब छोटा सा रंगमंडल था, नेशनल रंगमंडल तो था नहीं, तो वहां पर अब महीने में मेरा ख्याल 10-12 शो होते थे, तो वो एक रूटीन बन गया। और फिर मुझे लगा कि अब ये जो इसका कैनवस है रंगमंडल का, भारत भवन का, मुझे अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने फैलाव के लिए छोटा लगा। तो फिर मैं 84 में दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर के मोहन जी थे तब निर्देशक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के,
तो मालूम था कि मैं लाइटिंग डिजाइन में बहुत अच्छा था और वहां पर भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस था लाइटिंग में। तो मोहन जी ने कहा कि तुम बच्चों के साथ क्लास लो थोड़ा सा एडॉक बेसिस पे। तो 84-85 में फिर मैंने वहां पर कुछ क्लासेस ली 6 महीने के, और उसी दौरान ये हुआ कि हमारे कुछ साथी थे आलोक नाथ, नीना गुप्ता, अन्नू कपूर, ये सारा वो दौर था, रवि के मुंह, ये सारा वो दौर था जब दिल्ली के अंदर एक थिएटर की पूरी जो खेप थी अच्छा थिएटर करने वालों की, वो बम्बई शिफ्ट हुई। वो गांधी फिल्म बनी थी एक रिचर्ड एटनबरा की, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सब लोगों को काम मिला, थोड़े से पैसे भी मिले। तो अब एक्टर एस्पिरेंट्स जितने भी थे वो सारे सब ने बम्बई का रुख किया। हमने भी, अंकुर जी, मैंने, राजेंद्र गुप्ता ने, हम सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था दिल्ली में, संभव। तो संभव के साथ भी ये था कि सारे लोग जुड़े हुए थे, दीपा साही, ज्ञान शिपुरी, वीरेंद्र सक्सेना, जो सब आज फिल्म में बड़े बड़े नाम है, आशीष विद्यार्थी, सीमा पावा, मनोज पावा। तो लेकिन ये हुआ कि वो संभव से भी ये सब लोग 85, 86, 87 तक सब लोग जाकर के बम्बई में सेटल होना शुरू हो गए, क्योंकि तब वो नया नया सीरियल का दौर शुरू हुआ था। हम लोग करके गई थी सीमा, तो हम लोग के बाद वहां पर तो प्राइवेट चैनल बहुत आने लग गए 1991 में, तो टेलीविजन का काम बहुत जनरेट हुआ। थिएटर के अंदर जो कलाकार को पैसा नहीं मिल रहा था, एक्टर को पैसा नहीं मिल रहा था, तो बम्बई में जाकर के वो अपने आप में बहुत, उनको एक फायदा हुआ कि उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और अच्छे खासे पैसे उनको मिलने लग गया, नाम भी बन गया, तो कौन नहीं चाहता। तो ये बहुत बड़ी वजह थी कि काफी लोग इधर से, दिल्ली से, थिएटर से शिफ्ट हो गए। तो तब शायद ये समय था कि मैंने भी कहा यार मैं तो दिल्ली में हूं तो क्या करूं। तो दिल्ली में फिर मैं आर्ट डायरेक्शन की तरफ गया। रंजीत कपूर जी का पहला सीरियल था एक पुरवई, जिसके अंदर मैंने आर्ट डायरेक्शन किया। एम के रैना ने एक सीरियल किया। अब ये सब हमारे सीनियर थे, हमारे लिए आदर्श थे, तो इनके साथ टेलीविजन में भी काम करने का मौका मिल रहा है। तो एम के रैना का सीरियल था जमीन, तो उसके अंदर भी आर्ट डायरेक्शन के तौर पर मैंने काम किया। फिर धीरे धीरे मुझे जो ये मीडियम था ये समझ में आने लग गया, क्योंकि दूरदर्शन पे मैं कुछ काम पहले कर चुका था एक्टर के तौर पे, कुछ स्क्रिप्टें भी लिखता रहा था दूरदर्शन ड्रामा के लिए। तो फिर मैंने इनके लिए जो प्राइवेट चैनल हैं, प्राइवेट चैनलों पे जो सीरियल आते थे, तो मुझे याद है आसमा कैसे कैसे एक सीरियल था 86-87 में, उसके लिए मैंने कुछ स्क्रिप्टें लिखी, कुछ डायरेक्ट किया। एक कहानी मंजू सिंह बनाती थी, बहुत चर्चित सीरियल था, उसके अंदर भी एक आध एपिसोड में मैंने स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखे और उनको असिस्ट भी किया। तो इस तरीके की चीज़ें होती चली गई। फिर बाद में थोड़ा निर्देशन की तरफ भी मेरे पास ऑफर आने लग गए, तो मैंने काफ़ी गुमराह, लेखू एक सीरियल था, वो हमारे चरणजीत सी डी सिद्धू साहब ने लिखा था, जो दिल्ली के थिएटर करते हैं पंजाबी थिएटर, तो उनका सीरियल था लेखू, फिर वो डायरेक्ट किया 13 एपिसोड का। तो फिर वो काफ़ी चर्चा हो गई। तो उस दौरान मेरा फिर थिएटर से थोड़ा सा 3-4 साल, मेरा ख्याल 88 से 86-87 से थोड़ा थिएटर कम रह गया, कभी कभी होता तो एनएसडी या चला जाता था। फिर मुझे याद है कि एक दिन हमारे को कीर्ति जी मिली, मेरा बैंक अकाउंट वहाँ कैनरा बैंक में है भगवान दास रोड पे, तो कीर्ति जी भी वहाँ सुबह सुबह थी। तब कीर्ति जी रतन जी चले गए थे और कीर्ति जी एक्टिंग डायरेक्टर थी, तो कीर्ति जी ने कहा रहे सुरेश, हाँ कीर्ति जी और हम पहले संभव में साथ साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने नाटक डायरेक्ट किया था नट सम्राट, जिसका मैंने सेट डिजाइन किया था। तो कीर्ति जी ने कहा कि तुम तो बहुत अच्छा लाइटिंग भी करते हो, हमारे पास कोई लाइटिंग टीचर नहीं है, तो तुम आकर के क्लास लो ना। मैंने कहा देखिए मैडम, मैं तो आजकल क्या है कि ये टेलीविजन में थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, आपको तो पता है कि आजकल पैसे बड़ी मुश्किल से कमाता है थिएटर वाला, तो अभी थोड़ा सा 2-4 पैसे आने शुरू हुए। उन्होंने कहा अच्छा तुम कब जाते हो? मैंने कहा मैं 9-10 बजे के करीब जाता हूँ शूटिंग पे। तो उन्होंने कहा तुम सुबह 8 बजे से 9 बजे क्लास कर सकते हो। मैंने कहा सोचा एक मिनट को, मेरी आदत है कि मैं कुछ भी आ रहा है और थिएटर का है तो क्यों मना करूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो तब उनके थर्ड ईयर के साथ उनकी सुबह डिजाइन की क्लास उन्होंने मेरी लगा दी 8 बजे से 9 बजे तक। बोले कुछ करके देखो, 3-4-5-6 महीने अगर तुम्हें अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो धीरे धीरे ये हुआ कि हमने वो क्लास करनी शुरू कर दी, 8 से 9 बजे बच्चों के साथ काम किया सुबह सुबह। बच्चों को बड़ा मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया, तो मैंने यार चलने दो। और तब मुझे 3,000 रुपये, मेरा ख्याल 3,000 या 3,500 रुपये महीना मिलने शुरू हुए थे। तो मैं चलो ये पॉकेट मनी है, तो उसके बाद हम शूटिंग पे चले जाते थे। तो शूटिंग पे भी आपकी अदालत हुई, इस तरीके के थे,
तो आपकी अदालत भी कई बार हम हिमाचल भवन या आगा खां हॉल में उसका सेट लगा के वहीं पे शूटिंग कर लिया करते थे, वो मल्टी कैमरा सेटअप के साथ। तो बहुत सारे काम मैं मैनेज कर पाता था, क्योंकि दूरदर्शन में क्या था कि आप डायरेक्टर के तौर पे आपको अपना शेड्यूल बनाना है, तो जिस दिन छुट्टी है या क्लास नहीं है, सैटरडे संडे तो आप शूटिंग रख ही लो, तब एक एपिसोड 3 दिन में शूट हो जाया करता था। तो हम 2.5 दिन 3 दिन का शेड्यूल बना करके सैटरडे संडे में एक एपिसोड खत्म कर दिया करते थे, या एक कोई छोटी टेलीफिल्म खत्म कर लिया करते थे। तो इस तरह से मेरा बहुत बढ़िया हिसाब किताब शुरू हो गया। फिर ये जॉब निकली, यहाँ पर मेरी शादी भी हो गई थी। हमारी पत्नी जी बोली, भैया ये तो आप कभी ले आते हो 10,000 का चेक, 20,000 का चेक, ऐसे कब तक चलेगा? तो कुछ होना चाहिए कि हम तो अब घर बार वाले हो रहे हैं। तो बात दिमाग में घुस गई। और फिर हमारी एक बच्ची भी हो गई प्यारी सी, ऋचा। तो अब उसको लेकर के ऋचा का स्कूल होगा, ये होगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, किसी महीने काम नहीं हुआ तो अब इधर हमारी जॉब निकली लाइटिंग की। तो हमने कहा चलो अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लाइटिंग लेक्चरर की जॉब निकली थी 90 में, तो हमने अप्लाई किया, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो लेकिन NSD की एक खासियत है कि आपको थोड़ा सा बाहर अपना एक क्रिएटिव काम करने की लिबर्टी रहती है। तो बाहर का मेरा थोड़ा सा जो डिज़ाइनिंग और इस तरीके का काम था, मैं रेडियो की डबिंग भी करता रहा, मैं कुछ लिखता भी रहा। तो लिखने का काम तो आपको घर बैठ के ही हो जाता है, डिज़ाइनिंग भी थोड़ी सी करता रहा, तो वो खूब जम के काम होता रहा मेरा। तो वो एक बोर्डम जो मेरे को भोपाल में लगी थी, एक छोटा कैनवस हो गया, वो दिल्ली आकर के एक बड़ा पर्सपेक्टिव मेरे को मिल गया, जहाँ अलग अलग विधा के अंदर लाइटिंग डिज़ाइन भी कर रहे हैं, सेट डिज़ाइन भी कर रहे हैं, टेलीविज़न भी कर रहे हैं, आप स्क्रिप्ट में भी लिख रहे हैं, आप नाटक भी कर रहे हैं, नाटक डिज़ाइन भी कर रहे हैं, संभव के लिए भी कर रहे हैं, संभव के लिए भी नाटक डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो सारे काम होते चले गए, तो इससे मेरे को बड़ा मज़ा आया और मुझे लगा कि अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बम्बई में हमारे जितने लोग गए थे, मेरा बम्बई जाने का कभी मन नहीं किया। दिल्ली में ही रह के मैंने टेलीविज़न किया, एड फिल्में की, सीरियल्स किए, डबिंग की, सारे काम किए, और अपना थिएटर भी किया और बच्चों को खूब जम के पढ़ाया। बाद में भी NSD में जो जो जिम्मेदारी मिली मैं करता चला गया। और 2017 में अच्छा प्रसन्नता के साथ वहाँ से मैं सेवानिवृत्त हुआ। और अभी भी कभी कभी वहाँ जुड़ाव रहता ही है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ, मीटिंग में या कभी जो भी उनको सलाह की ज़रूरत है। हमारी संस्था रही है, हम चाहते हैं कि इसका नाम हमेशा रोशन रहे, उज्जवल रहे, तो उसके साथ हम जुड़े रहते हैं। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी आपकी जो है रंग यात्रा, शुरू से ही अगर हम कहें कि जहां से आपने 4th स्टैंडर्ड से बताई और आखिरी दिन तक जो है 2017 तक आपकी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जो सेवानिवृत्ति का वो दौर था वहां तक। एक सर चीज़ ज़रूर मैं ये हम सबके लिए ये सब बहुत खुशी का विषय होगा कि हम यह मानते हैं कि बहुत सारे जो है रंगकर्मी, हमें लगता है कि रंगमंच से जो है उदासीन होकर मुंबई या महानगरी की ओर जाते हैं या दूसरे चैनल्स की तरफ जाते हैं, तीसरे मीडियम की तरफ जाते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज जी के बीच में एक खासियत है कि इन्होंने जितने भी आयाम, जैसे कि उन्होंने बताया कि जब वह भोपाल में थे तो उनको लगा कि मैं तो सिर्फ लाइट डिज़ाइनर ही बन के रह जाऊंगा, और जैसा भी आपने कहा कि आप एक बहुत बड़ी फलक को छूना चाहते थे और उस फलक को छूने के लिए दोबारा फिर जब आप दिल्ली आए, दिल्ली में आकर आपने एज एन आर्ट डायरेक्टर, लाइट एंड डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर के तौर के ऊपर, डायरेक्शन के तौर के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के ऊपर और जो है टीवी शोज के निर्माण के ऊपर, उनके डायरेक्शन के ऊपर सफलता से सर आपने ये काम किया, और इन सब में बहुत अच्छे आपने सफलता के साथ काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। अक्सर ऐसा होता नहीं कि आदमी फिर एक ही जगह चूज कर लेता है, आपने ये सब में एक तरह से समन्वय कैसे बना के रखा और इन सब में क्या थोड़ा थोड़ा अंतर है जो आप बहुत जल्द समझ जाते थे और फिर अगली दौर को पकड़ लेते। सुदेश जी, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपके अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ कुछ काम करने का जज्बा। जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो आप हमेशा सीखते हैं। मेरे ख्याल से आप देखिए, आप इतने अच्छे स्थापित निर्देशक हैं,
लेकिन जब भी हम लोग कोई भी नाटक की नई प्रस्तुति उठाते हैं, हमारे लिए एक चैलेंज होता है, हम एक खाली पन्ने से फिर से शुरुआत करते हैं। तो वो जो एक सीखने की लालसा है, सीखने की ललक है, वो आपको कहीं पे पीछे नहीं हटने देती। आर्ट डायरेक्शन डायरेक्शन मुझे भी पता नहीं था कि क्या होती है, तो मुझे पता लगा कि वहां पर सेट लगाने हैं, तो अब वहां पर एक खाली कमरे के अंदर, जो रंजीत कपूर का सीरियल था, तो रंजीत ने कहा लोकेशन देखनी है, ये करना है यार, यहाँ पर एक ऑफिस होगा, यहाँ पर ये चीजें होंगी। अब आप एक थिएटर के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, थिएटर आपने सीखा भी है, तो एक फॉर्म हाउस के अंदर जो भी खाली कमरा, मैंने कहा ये तो एम्प्टी स्पेस पीटर ब्रुक पढ़ के हम सब लोग चाट चुके हैं, तो अब स्पेस को हमें कैसे डेकोरेट करना है। तो स्पेस को हमने, चलो जी एक आर्किटेक्ट का ऑफिस है, वो सफेद दीवारें हैं, उसके अंदर आर्किटेक्ट के ऑफिस में क्या प्रॉपर्टीज होंगी, पीछे दीवार पे टेबल होगी, तो लो जी आपका ये आर्किटेक्ट ऑफिस बन गया। तो वहां 5-6 कमरे हुआ करते थे। तो ऐसे ही जो भी उनका पुलिस थाना था, तो वो लो जी पुलिस थाना, यहाँ पर एक ये आ गया, पीछे वो आपका भारत का मानचित्र आ गया, कुछ हथकड़ी बेड़ी आ गई, आगे कुछ आपने कुछ ऑब्जेक्ट लगा दिए, लो जी ये आपका SHO का दफ्तर हो गया, ये जो भी चीजें वहां हुआ करती थी। तो बड़ा आसान हो गया वो सीखने के बाद, फिर पता लगा यार ये तो इतना आसान सा बनता जा रहा है, तो उसमें मजा आता रह गया। जहां मिल रहा है काम मिल रहा है और आपकी प्रशंसा भी हो रही है, तो मेरा ख्याल आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है वो ये होती है कि उसके काम को सराहना मिले। जहां वो उसके काम को सराहना मिलती है, तो वो अपना काम बड़े दिल से करता है, बड़ी ईमानदारी के साथ करता है। वहां ये भी नहीं होता कि 2 पैसे कम मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आज भी कोई बड़ा बैनर या कोई बड़ा डायरेक्टर या कोई होता है, तो मैं कभी ये नहीं बोलता कि कितने पैसे मेरे को दोगे, मैं बोल देता हूँ भैया जो आपको रिस्पेक्टेबल लगता है मुझे दे दीजिए। आप 1 रुपया भी देंगे मेरे को मंजूर है, आप 1 लाख रुपए देंगे तो मैं वो भी खुशी के साथ रख लूंगा। तो ऐसा कोई चीजें नहीं होती हैं, तो ईमानदारी के साथ वो हर काम करते चले जाएं। तो शुरू में जूझना पड़ता है। जब मुझे मालूम है, जब मैं पहली बार असिस्ट कर रहा था, तो मैं अपने दूसरे असिस्टेंट को देख करके, यार ये शॉर्ट डिवीजन कैसे होता है, क्या होता है, ये नहीं होता, किस तरह से, वो देख देख करके मैं पिकअप कर रहा था। या जब एडिटिंग टेबल पे बैठते थे, तो मुझे लगता था यार ये, तब लो बैंड से हमने शुरुआत की थी, लो बैंड टेप अंदर डाले जाते थे, उसके अंदर कहाँ से वो शॉर्ट ढूंढ रहे हैं, किस तरीके से एडिट कर रहे हैं, किस तरीके, अब क्योंकि हम टेक्निकल आदमी भी रहे, लाइटिंग के कंसोल भी हमने ऑपरेट किए, तो वो भी मुझे कंसोल ऐसा लगा एडिटिंग का, यार ये तो खुद भी कर सकते हैं। तो एडिटर गया, तो हमने भी कुछ फ्रेम माइनस करके ये पहले वाला शॉट, उसकी एक्शन कंटिन्यूटी मैच की, और फिर उसको पिकअप करना शुरू कर दिया। तो एडिटिंग हो, डबिंग हो, डायरेक्शन हो, फिर आपने अपने साथ अपने जो असिस्टेंट थे उनको अपना तरीका सिखाया कि भैया ये चीज है। और आपका एक विजन होता है ना एक डिजाइनर के तौर पे। आप, मैं पहले भी क्या होता था सिनेमा में, मैं कोई ये लोकेशन की रैकी करके या ये सीन तय करेंगे इस तरीके से मैं नहीं करता था। किसी एक गांव में गए, वहां पे मुझे लगा यार ये कुआं है, तो कुएं के ऊपर ही हमने कोई एक सीन का एक्शन प्लान कर दिया। मान लीजिए भाई भाभी की बात हो रही है, और भाभी कुछ काम कर रही है, भाई कह रहा है भाभी तू अकेले का मत निकला कर, इस तरीके का सीन है। तो मैंने, यार यहाँ कुएं पे बाल्टी दे दो, भाभी पानी भरने आई है, भाई उधर आ रहा है दातुन करता हुआ, भाभी तेरे को कितनी बार कहा है, तो ये सीन हमारा यहाँ पर हो सकता है गांव में, और वो बड़ा रियलिस्टिक सीन लगता था। तो इस तरह की एक दृष्टि डिजाइनर होने के नाते थी ही। तो कहीं खेत की मेड़ पे चलते हुए, कुछ खेत पे काटते हुए, तो वहां कितने सीन कितनी विविधता के साथ आपके टेलीफिल्म में हो सकते हैं या सीरियल में हो सकते हैं। तो ये एक सोच मेरे को आनी शुरू हो गई। कई बार ये भी होता था कि कोई लोकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन उसके हिसाब से कोई सीन नहीं लिखा हुआ है, तो मुझे लगता था यार यहाँ 1 मिनट का कोई एक इंटरेक्शन सीन फौरन लिख करके इन एक्टर से करवा लिया जाए, तो मैं करवा लिया करता था। तो वो फिल्म में या किसी भी काम में एक अलग खूबसूरती लेकर के आता था। तो शुरू शुरू में एक जद्दोजहद होती है, और आपकी अगर सीखने की ललक है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी काम मुश्किल है। शुरू में मुश्किल जरूर लगेगा, क्योंकि मैंने भी कोई लाइटिंग के साथ लाइट एंड साउंड किए, थिएटर की बिल्डिंग डिजाइन की। हम सब सुनते थे यार थिएटर में परमानेंट सिस्टम करना होगा, थिएटर में ये चीजें करनी होंगी, लेकिन जब वो सारी चीजें आपके सामने क्लियर होती चली जाती हैं और आप उसमें कूदते हैं, आप जब परीक्षा में जाते हैं तो आपको मालूम नहीं होता होगा कि आपने BA की परीक्षा दी, आपने IAS की परीक्षा दी, आपको ये मालूम होगा कि ये पैटर्न होता है, लेकिन ये तो मालूम नहीं होता है कि कौन सा सवाल आएगा। तो जब आप सवालों के साथ जूझते हैं और सवालों को अपने तरीके से लिख करके उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं,
तो आप सफल होते हैं, वो आपकी जद्दोजहद होती है। तो जिस तरीके से प्रश्न आपको नहीं मालूम होते आप उत्तर देते हैं, उसी तरह से वो कोई भी नया काम हो, चाहे थिएटर में लाइटिंग डिजाइन हो, लाइट एंड साउंड हो, सेट डिजाइन हो, डायरेक्शन हो, कॉस्ट्यूम डिजाइन हो, प्रॉपर्टी हो, सब हमने किया। सिनेमा में भी हमने सारा कुछ किया, स्क्रिप्ट भी लिख दी, हमने डायरेक्शन भी कर दिया, हमने आर्ट डायरेक्शन भी किया, तो ये सारे काम किए। और तो और पैसे, अगर कुछ दो चार पैसे मिल रहे हैं, लोगों ने कहा जी आपकी आवाज अच्छी है यार, ये डबिंग कर दो, मैंने कहा जी कर देंगे। एक कोई सीरियल था बीबीसी का, तो उसकी हिंदी स्क्रिप्ट हमने लिखी डबिंग के लिए। तो जब हिंदी स्क्रिप्ट लिखी तो वो प्रोड्यूसर ने कहा आप इसकी डबिंग भी कर दो कुछ एक करेक्टर, हमने कहा जी कर देते हैं। तो अब वहाँ जिस स्टूडियो में हमने किया, ऑडियो स्टूडियो में, तो ऑडियो स्टूडियो को लगा ये तो अच्छा कर लेते हैं डबिंग, तो डबिंग के काम भी मिलने लग गए। तो अच्छा था, हम अपना 5 बजे 6 बजे ड्रामा स्कूल से क्लास खत्म की और चले जाते थे, तो नया काम सीखने को मिलता था, मजा आता था। क्या बात, बहुत बहुत अच्छा। मतलब अब एक देखो ना, एक और नया रंग जो है वो पता लगा है कि आपने डबिंग के तौर के ऊपर और बहुत अच्छे डबर भी रहे हैं आप। ये भी एक जी जी आज जी नया पहलू हमारे सामने आया। तो मेरी सर पहली लाल एक मारुति डबिंग की वजह से आई थी सुदेश जी। है कौन सी, एक लाल मारुति मैंने खरीदी थी, वो डबिंग के पैसों से ही आई थी। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी शुक्रिया जी। सर एक चीज और मैं जरूर जाननी चाहता हूँ जी। कि इतना काम हर जगह करने के बाद, एक जगह आप शिक्षक के तौर के ऊपर हैं, कहीं आप राइटर के तौर के ऊपर हैं, कहीं आप आर्ट डायरेक्टर के ऊपर हैं, कहीं डायरेक्टर, तो फिर रंगमंच में कहाँ आपको समय मिलता था? क्योंकि थिएटर तो बहुत समय कंज्यूमिंग हमें लगता है, और जब आपने आकार कला संगम का जब निर्माण किया होगा वो किस दौर में किया होगा, वह क्या परिस्थितियां रही कि आपको फिर लगा कि नहीं थिएटर भी जो है एक्टिव रहना चाहिए? जब आपने इस ग्रुप का निर्माण किया था वो क्या समय था, वो कौन सा ईयर था खास तौर पे, या क्या लगा उसमें संभव के बाद जी जी लगा जी कि अब संभव में नहीं काम हो रहा तो इसलिए आकार कला संगम आए? ये बड़ा, मैंने कहीं इस तरीके की बात पहले कभी की नहीं है। संभव में, जैसा कि मैंने बताया, 84-85 में हम लोगों ने शुरू किया था, और हमने ये पैशन के तौर पे कहा था कि हम हर महीने एक नया नाटक करेंगे। तो पहले 12 महीनों में 12 नाटक किए, और उन 12 नाटकों में से 2 नाटक मैंने डायरेक्ट किए। एक आधे अधूरे था, एक 16 जनवरी की रात थी। 2 नाटक शायद राजेंद्र गुप्ता जी ने किए, 2-3 नाटक अंकुर जी ने किए, एक सुभाष उद्गाता ने किया, एक अमिताभ श्रीवास्तव ने किया, वीरेंद्र सक्सेना ने किया, तो टोटल 12 नाटक हुए। लेकिन जब जब मैंने बताया कि मैं इतनी पैशन के साथ जो जो नाटक मैं डायरेक्ट नहीं भी कर रहा होता था, क्योंकि भगवान ने मेरे को ये हुनर दिया कि मैं डिजाइन भी कर लूं, लाइट भी कर लूं, तो मैं हर 12 के 12 नाटकों से जुड़ा रहा। 12 के 12 नाटकों में किसी का सेट डिजाइन कर रहा हूँ, किसी की लाइटिंग डिजाइन कर रहा हूँ, तो ये सारी जिम्मेदारियां सुरेश भारद्वाज की होती थी संभव के अंदर। तो मैं बड़े पैशन के साथ उससे जुड़ा हुआ था। फिर भोपाल में भी मेरे संबंध रहे वहां रहने के नाते, तो हमने प्लान किया, अंकुर जी से बातचीत हुई हमारी, और ये कहा कि हम अपने ही बूते पर एक फेस्टिवल भोपाल में भी करेंगे। संभव जैसी संस्था दिल्ली में ही क्यों रहे, अगर कोई इनवाइट नहीं कर रहा है तो हमारे अंदर इतना दमखम होना चाहिए कि हम अपने बलबूते पर जाकर के वहां पर फेस्टिवल करें। तो हमने रविंद्र भवन वहां पर बुक किया और 4 दिन का एक फेस्टिवल किया। तो बड़े पैशन के साथ ये सारी चीजें मैंने वहां पर एडवर्टाइजमेंट इकट्ठी की, ये किया। लेकिन जब हमारे साथी लोग अपनी परिस्थितियों वश, कि उनको वहां पर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो दूरदर्शन की तरफ जा रहे हैं, टेलीविजन में जा रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे हमारे जितने साथी जुड़े हुए थे संभव के साथ, वो सब टेलीविजन में चले गए। तो मेरा भी थोड़ा सा अब ये हुआ कि आपके सारे नाटक जितने थे पुराने या तो बंद हो गए या फिर आप नए नाटक करें। अब नए नाटक के अंदर सिर्फ अंकुर जी लगे हुए थे, अंकुर जी के साथ 2-4 लोग, और कोई भी नाटक वो करना, अब अंकुर जी का जो अपना एक विशेषज्ञता है कहानी का, रंगमंच की, फिर वो वापस उसी पर आ गया संभव, और वो ही चलता रहा। तो वो अच्छा लगता है मुझे कहानियों का रंगमंच, लेकिन उसके अंदर क्या है कि वो कहीं ना कहीं जाकर के मुझे एक रास्ता लगती थी, और मुझे लगता था अब ये कंप्रोमाइज क्यों, जब हमने इतने स्तर का काम किया, हर तरह के हमने नाटक किए, हमने रियलिस्टिक नाटक किए, हमने स्टाइलाइज नाटक किए, हमने क्लासिकल नाटक किए, पूरे नाटक किए, लिखी स्क्रिप्टें की। तो अब हमेशा 1-2 साल से आप कहानी का रंगमंच कर करके और सिर्फ अपनी
एग्जिस्टेंस बनाए रखें जबरदस्ती, वो तरीका शायद हो सकता था, लेकिन मैं उससे बड़ा मेरा दिल टूटा। और मेरा दिल इसलिए भी टूटा कि हमारे जितने सीनियर साथी थे सारे के सारे बम्बई चले गए, तो मुझे लगा एक वैक्यूम सा, एक खालीपना सा ये हो गया। तो फिर उसी की वजह से हो सकता है मैंने भी टेलीविजन की तरफ अपना रुख किया, और चाहे वो रंजीत जी का उसी दौरान मेरे को मिला कि इसमें काम कर लो भैया आर्ट डायरेक्टर के तौर पे। इंसिडेंटली उसके पहले एपिसोड में मैं एक्टर के तौर पे गया था, हमारे मित्र अमिताभ श्रीवास्तव जी ने, वो उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे रंजीत भाई के, तो उन्होंने मुझे उसमें एक रोल में कास्ट किया था। लेकिन फिर आप देखिए कि वो जो लिखा होता है, अब मुझे लगा था कि मैं पहले एपिसोड के लिए जाऊंगा और बाद में उसके 12 एपिसोड का आर्ट डायरेक्टर मैं बन जाऊंगा, तो वो मेरे नसीब में लिखा था, मैं बना, तो फिर मैं उस तरफ हो गया। फिर जो आपका दूसरा सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बीच सारे काम करने के बाद मैं श्रीराम सेंटर के अंदर भी कुछ क्लासें लेता था एक्टिंग की, डिजाइनिंग की। तो हमारे कुछ मित्र लोग थे जो वहाँ 2002 के बैच में थे, तो राजेश बब्बर जो अपना एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं प्रतिबिंब दिल्ली के अंदर, तो वो हमारे साथ जुड़े। और ये अपने कुछ 3-4 साथियों को जिन्हें मैंने पढ़ाया था वहाँ पे श्री राम सेंटर में, जिसके अंदर राजेश बब्बर थे, मधु कक्कड़ थी, सुमित था, भावना एक लड़की थी, भावना शर्मा है एक लड़की, और गौरव थे, सीमा मित्तल थी, ये सारे लोग आकर के हमारे कमरे में एनएसडी के अंदर बैठे कि थिएटर करना चाहिए। मैंने यार थिएटर तो मैं मतलब बड़ा मेरा तो कोई अच्छा अनुभव रहा नहीं है, लेकिन वो उनकी ऊर्जा, इतना पैशन था इन सब लोगों में, 6-7-8 लोगों में, तो मैंने कहा चलो यार एक बार फिर हिम्मत करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये 2002 की बात है। तो अब मैंने कहा कि वो मेरा ख्याल 3 लड़के थे और 3 लड़कियां थीं, मैंने कहा कि यार ये क्या नाटक इसके लिए सोचा जाए। तो अंकुर जी ने मेरे को सलाह दी, यार कुछ कहानियां पढ़ो प्रेमचंद की। अब मैंने कहा कहानियां तो अंकुर जी का है ही, तो मैंने यार प्रेमचंद की कहानियों से मैं थोड़ा सा स्त्री पुरुष के संबंधों की बात करें, तो मैंने पूरे मानसरोवर के 8वें अंक पढ़ के ऐसी मेरे ख्याल 13-14 या 15 कहानियां निकाली जो जिसके अंदर एक पुरुष एक स्त्री या 3 लोग थे या ट्राइंगल था, लव ट्राइंगल। तो उसके अंदर थोड़ा सिनेमा का समावेश भी मैंने किया, मतलब एक नई टेक्निक कह लीजिए, उसके अंदर मेरा रुझान शुरू से ही रहा है। तो 2002 में मैंने किया कि कुछ मैंने शूट भी किया पोर्शन, कि वो मैं बाहर का तांगे पे बैठा हुआ जा रहा है और मंच पर वो स्त्री खड़ी हुई है और वो स्क्रीन पे जो चल रहा है प्रोजेक्शन उसके अंदर पीछा चल रहे हैं, वो डायलॉग बोल रहे हैं, और यहाँ वो स्टेज पर भी खड़ी हुई है। तो दोनों का सम्मिश्रण, क्योंकि मैं दोनों विधाओं में था उस वक्त, टेलीविजन सिनेमा में भी था थिएटर में भी, तो मैंने इस तरह से इसको किया जाए, तो वो किया। और वो 2002 में फिर वो रंग महोत्सव में भी बुलाया गया वो नाटक प्रेम संवाद, तो फिर आकार कला संगम की शुरुआत हो गई। अब पहला ही नाटक हो बच्चों के साथ, जो बच्चे श्री राम सेंटर से आए, और आपका नाटक भारत रंग महोत्सव में हो जाए, तो सब के अंदर बड़ा उत्साह आ गया। वो खत्म हुआ, उसके कुछ शो हुए, सर नया नाटक नया नाटक। मैंने अब नया नाटक कौन सा करें भाई, फिर सारी रात हमने चुना, तो सारी रात के अंदर 2 पुरुष पात्र थे एक स्त्री पात्र थी, तो सारी रात चुना। फिर धीरे धीरे ग्रुप हमारा बड़ा होता गया, तो फिर 18-20 लोगों तक के नाटक हमने किए, गोलमाल किया एक कॉमेडी, वो हमने खुद ही अडेप्ट किया, वो रशियन प्ले है आयरनी ऑफ फेट, तो आयरनी ऑफ फेट का फिर हिंदी अनुवाद करके उसको हमने किया। 2-3 बड़े कास्ट के नाटक किए मैंने, ये गोलमाल किया, उसके बाद किया। अब मेरे साथ ये दिक्कत रही कि सारी चीज़ों के पढ़ाई के बाद, और फिर ये होता है कि अब बच्चों का ये हो गया है कि जो बड़े ग्रुप में बच्चे आते जाते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन 1-2 साल के बाद उसमें से 3-4 लोग चल देते हैं। तो वो जो कहानी संभव में दोहराई गई थी कि वो तो सीनियर लोग थे, लेकिन यहाँ पर आप आए 1-2 साल काम किया, उसके बाद 4 लोग चले गए, सर मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, मैं उधर जा रही हूँ, मैं यहाँ पर बिजी हूँ, ये बिजी हूँ। तो ये फिनोमिना हमारा 20 साल पहले का तो नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। फिर मैंने कहा चलो ये तो समय की डिमांड है, और इन बच्चों को लगता है इनका एक आगे करियर जा रहा है तो जाए। लेकिन इस चीज ने मुझे फिर वापस उसी पे आने को शुरू किया कि मैं 2 पात्रीय और 3 पात्रीय नाटकों के ऊपर टिक गया, और इस पे भी टिका कि मैं अब नए बच्चों के साथ काम कम करने लग गया धीरे धीरे।
मैं चाहता था कि जो एनएसडी के ट्रेंड हैं या अपने इंडियन थिएटर से या जो जिनके पास एक बैकग्राउंड है, सॉरी, जिनके पास एक ट्रेनिंग का बैकग्राउंड है, इन लोगों के साथ ही काम करूं। तो इन लोगों के साथ मैं काम करने लग गया और फिर लगातार फिर मैंने जो भी नाटक किए वो ज्यादातर दो लोगों के, इंतजार अभी और में, टीकम जोशी और सुमन वैद्य थे। सुमन वैद्य के साथ सतीश आलेकर का नाटक किया, मठ के रास्ते में एक दिन। मेरे को हमेशा वो सारी रात के बाद मुझे ज्यादातर ऐसे नाटक अच्छे लगे जिनका कम से कम हिंदी में मैं पहला मंचन करूं, क्योंकि उसमें एक अलग तरीके का चैलेंज होता है। जो नाटक पहले कभी खेला नहीं गया, आपकी ओरिजिनल सोच क्या है, तो इस सब में मुझे काफी मजा आया। जो भी आप बता रहे हैं, कुछ मैं आपके ना नाटकों की कुछ फोटोस ग्राफ्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। जी कम कास्ट वाले जो नाटक थे, जो खास तौर के ऊपर PFP फेस्टिवल के दौरान भी हुए, तो उनकी मैं एक कुछ फोटो मैंने निकाली थी। ये है शायद 8 घंटे नाटक है, मनचंदा जी और अरोड़ा है इसमें। जी जी ये भी बहुत 3 लोगों के नाटक था। इस नाटक का नाम नहीं मुझे याद आ रहा अभी। जी बिल्कुल। ये बिल्कुल 2 या 3 के कास्ट के आपके नाटक थे जो चंडीगढ़ में भी हुए हैं, जी। और प्रत्येक नाटक के ऊपर स्टैंडिंग ओवेशन मिलती थी, चाहे वो जी 8 घंटे है और इस तरह से। और इसमें मैं वही जो अभी आप बता रहे हो कि कुछ रंगमंच की बैकग्राउंड के हों, तो उसमें जैसे मनचंदा जी आपके मुझे लगता है हर जी नाटक में रहे हैं। तो जी हाँ, सर, आप बात बता रहे थे जी इसी के बारे में। जी नहीं तो फिर ऐसे ही हुआ कि मैं, अब जो एक्टर जुड़ते थे तो मेरे दिमाग में भी चलता रहता था, यार ये एक्टर हैं सामने तो इनके लिए कौन सा नाटक सही रहेगा। और मुझे पढ़ाई लिखाई का भी बड़ा शौक है, तो मतलब कोई ऐसे नए नाटक, जैसे कि मैंने कहा कि जो नाटक अभी तक नहीं हुए हो, खास तौर से उसको करने में जो मजा आता है उसकी बात ही कुछ और है। तो मैं अभी भी कम से कम 7-8 नाटक ऐसे तलाश करके रखे हैं जो कम कास्ट के हैं, जो करना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी समय के साथ बंधे हुए होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वो दिमाग में चलता रहता है। और चलते हुए यार ये स्क्रिप्टें पड़ी हुई हैं सामने आपके, और जब भी आपको आया आपने उस पर काम कर दिया, तो काम चल रहा है। पीछे 2-3 साल तो हम सब जानते हैं, जो आपने कहा वाकई में सबके लिए ऐसे गुजरे हैं कि कुछ काम हो ही नहीं पाया। कुछ काम हुआ, शुरू हुआ, बंद हुआ, फिर दोबारा आपने शुरू किया, तो बड़े मुश्किल का वक्त गुजरा है। तो उसमें यही चीजें चलती रही हैं। अब हमारे जो एक्टर हैं मनचंदा जी हैं, उन अभी भी उतने जोशीले हैं, लेकिन फिर अब नाटक भी ऐसे देखने पड़ेंगे जो वो कर पाए, क्योंकि उम्र के साथ साथ ये होता है कि आपका थोड़ा सा निकलना, आप थोड़े से कितने एक्टिव रह पाते हैं वो है। तो जहां जहां जो जो होगा तो उनको लेकर के नाटक करने की मेरी कोशिश रहेगी, और मैं करूंगा। कुछ नाटक हैं तो मेरे, देखिए खुदा ना खास्ता इसी साल कुछ नया नाटक आपको देखने को मिलेगा। इसी इसी दौरान मतलब जैसे अभी पिछले दौर के ऊपर सब लोग अपने घरों पे बैठे रहे, तो इस दौरान भी आपने कुछ लेखन का कुछ ऐसा काम किया हो जो अभी लगता है कि जैसी ये सब चीज़ें सामान्य होंगी तो आप बहुत अच्छी कोई प्रोडक्शन देने वाले हैं, कुछ ऐसा काम जिसके ऊपर आपने वर्कआउट कर लिया हो, कुछ ऐसी डिटेल अगर बताएं कि कुछ जिससे इंस्पिरेशन मिले सब लोगों को कि आप भी ऐसे अपना घर पे बैठे भी ऐसे समय में भी कुछ आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा काम की तैयारी जी कर सकते। मेरे ख्याल से मार्च में एक लॉकडाउन लगाया था मोदी जी ने, तो मार्च में जो लॉकडाउन लगाया था उससे पहले दूरदर्शन का एक असाइनमेंट मेरे पास था। दूरदर्शन ने एक अरुण प्रभा चैनल शुरू किया था, तो मैं उसकी प्रीव्यू कमेटी में था। 2-3 महीने से, मेरा ख्याल नवंबर दिसंबर 3-4 महीने से हम लगातार वो कुछ सीरियल बनाए जा रहे थे, तो मैंने काफी सीरियल देखे प्रीव्यू कमेटी में। वो रोजाना हफ्ते में 5 दिन का काम होता था, सुबह से लेकर के शाम तक 10-11 बजे हम जम जाते थे, और शाम को 4-5 बजे तक सीरियल देख करके उसका प्रीव्यू करके उसके अंदर अपने कमेंट, अपने सजेशन, अपने सुझाव देते थे, और वो प्रोड्यूसर को और जो निर्देशक होते हैं उनको भेजे जाते थे।
फिर मार्च में ये लॉकडाउन लगा, तो मार्च में लॉकडाउन लगा तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे पास जो भंडार पड़ा हुआ था इतना ये पढ़ने का, उसको पढ़ने का दोबारा मौका मिला, और कुछ नाटक मैंने निकाले, कुछ चुन लिए, और कुछ के ऊपर कहा कि नहीं इनके ऊपर काम करना है, तीन चार नाटकों में से एक में कर भी दिया। तो फिर जैसे ही मेरा ख्याल मई जून के अंदर दोबारा रेस्ट्रिक्शन खुली, तो वो दूरदर्शन का काम फिर से शुरू हो गया। तो अब मेरी खुशकिस्मती कही है कि मैं मतलब बिल्कुल ही उस दौरान भी सुबह 10 बजे जाता रहा और शाम को 4, 5, 6 बजे घर आता था, जबकि सब घर वाले बड़े चिंतित थे कि आप क्यों जाते हैं, अभी तो सब घर में है। मैंने अब जब खुल गया है और लोग जा रहे हैं कुछ दफ्तर में जरूरी, ये तो एक काम है, तो उसके अंदर व्यस्तता भी रहती है। तो लगातार आप देखिए कि मैं 2019 से 2020 दिसंबर तक जाकर के वो काम खत्म हुआ, तो मैं पूरा दूरदर्शन में जाता रहा और वो प्रीव्यू करता रहा और कुछ लिखता पढ़ता रहा। तीन चार नाटक मैंने निकाले हुए हैं, उसमें से एक इस साल आपके सामने बिल्कुल आएगा। तो जिस जैसे कि आपने कुछ बच्चों के लिए भी बहुत काम किया है और उनकी कुछ वर्कशॉप्स वगैरह भी काम, एक आपका बच्चों के साथ राजा के दो सींग वाला था, कुछ ऐसा नाटक भी, तो ये बच्चों के साथ किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहता है? या जैसे अभी आप अभी आपने जो अपने नाटकों के बारे में बताया, कार कला संगम का जैसे निर्माण हुआ और कम कास्ट की एक्टर के साथ काम करना और उस तरह की नाटकों का चयन करना, और उन नाटकों का किस तरह का कंटेंट रहना चाहिए, ये भी कुछ खास ध्यान रहते हैं सर? जी, पहले तो चिल्ड्रन थिएटर की बात, जब मैं 1980 में पास हुआ था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो वहाँ पर 8 फेलोशिप होती थी, जिसमें से 6 लोग तो रेपर्टरी के साथ एक्टिंग के लिए चुने जाते थे, और 2 फेलोशिप होती थी उनका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट नया नया बना था, कारण जी ने शुरू किया था, और बंसी कौल उसमें प्रोफेसर थे। तो बंसी कौल जी के असिस्टेंट के तौर पे 2 अप्रेंटिस चुने जाते थे, इंटर्न बोल लीजिए, जो एक्सटेंशन में रह करके वर्कशॉप्स किया करते थे, और उसी वर्कशॉप के साथ चिल्ड्रन थिएटर भी एक पहलू था। तो इंटेंसिव थिएटर ट्रेनिंग कोर्स मुझे याद है, पहले हमने इम्फाल में किया 3 महीने का, उसके बाद दौरान जब ये समर चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप होती थी, तो ये भी पार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप था। तो मैंने राजा के दो सिंह, हमारा मेरे से 1 साल जूनियर अखिलेश खन्ना है, उन्होंने चिल्ड्रन थिएटर में बहुत काम किया है, तो उन्होंने ये नाटक लिखा था। उन्होंने कहा यार मेरे मित्र भी हैं, मेरे LTG में भी मेरे साथ थे वो, तो अखिलेश खन्ना का लिखा नाटक था राजा के दो सिंह, मैंने यार तुमने लिखा है तो चलो बच्चों के साथ ये करते हैं, और बड़ा वो सीधे साधा मस्ती वाला नाटक था, जो म्यूजिकल प्ले था, तो पंकज सक्सेना ने उसमें म्यूजिक दिया था शायद, और अखिलेश खन्ना की स्क्रिप्ट थी, तो इसलिए वो बच्चों का नाटक में मैं जुड़ा। और उस दौरान चिल्ड्रन थिएटर काफ़ी एक्टिव भी था, पंकज सक्सेना उसके कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, तो 2-3 साल तक भी मैं उनके साथ भी काम करता रहा वहाँ पर। तो नाटकों की लाइटिंग करना ये मेरी जिम्मेदारी, लाइटिंग का तो ऐसा हो गया था कि जो भी है तो सुरेश जी को बुला लो, तो चिल्ड्रन थिएटर की वो लाइटिंग करना उनकी हर वर्कशॉप के अंदर, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, जो भी अभिनय करना हुआ, तो ये सारी चीज़ें लगातार करता रहा, तो ये चिल्ड्रन थिएटर से मेरा एक वास्ता हुआ। रही नाटक चुनने की बात, तो अभी जो नाटक मैं चुनता हूँ, पहला तो निश्चित तौर पर मेरा खुद का ही चुनाव होता है कि ये नाटक मेरे को ठुक रहा है, और कम से कम इतना अनुभव के बाद ये हो जाता है कि जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को एक एक्टर के तौर पे भी मुझे काफ़ी अनुभव रहा, डिज़ाइनर के तौर पे भी, निर्देशक के तौर पे भी, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होती हैं। तो मैं इतना तो निश्चित होता हूँ कि जब ये मेरे दिल को छू रहा है तो ये दर्शकों को भी छुएगा और अभिनेताओं को भी छुए होगा। तो वेलकम जिंदगी में भी आपने देखा होगा कि मैं ऐसा कोई शो देखा होगा जहाँ बुजुर्ग कपल हैं या कोई बुजुर्ग हैं, वो जो बेटे का और एक बाप का और एक बुजुर्ग का रिश्ता होता है, उसको देख करके उनके आंसू ना टपके हो। मेरा ख्याल मैंने उसके 20-25 शो किए पूरे हिंदुस्तान में, और कोई ऐसा शो नहीं था जो उन तक उनके दिल तक ना पहुंचा। तो ये मेरा चुनने का एक पहला वो कारण रहता है कि पहले मैं चुनता हूँ, फिर उसके लिए कौन से पॉसिबल, ये भी नहीं कि मैं तीन चार पहले से तय कर लिया कि यही करेगा, तो 4-5 लोगों को बुला के अगर 2 पात्रीय नाटक है तो जो मेरे पॉसिबल होते हैं कि यार इनको इनके लिए ये ठीक रहेगा, तो 4-5 लोगों को बुला करके मैं उनके साथ रीडिंग करता हूँ, उनके रिएक्शन आते हैं,
फिर जाहिर बात है कि नाटक अच्छा होता है तो कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, तो लेकिन फिर ये होता है कि अच्छा ये चीजें हैं, ये हैं, इस बार ये करो और अगला दूसरा दो कास्ट का नाटक ये, तो ये वाला आपके साथ मैं करूंगा, तो हमारा एक रास्ता निकल आता है और इस तरह से मेरा काम हो जाता है, तो मुझे भी पसंद होता है, मेरा भी चुनाव होता है, मेरी कास्ट का, मेरे एक्टरों का भी उसके अंदर हिस्सेदारी होती है कि उनके दिल को छूता है, वो कहता है बिल्कुल कल से हम शुरू करते हैं, तो उसके बाद नाटक शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब आपका वेलकम जिंदगी जब चंडीगढ़ में मेंशन हुआ था तो उस समय यही बात थी कि कुछ एक नाटक जो एकाकीपन को दोहराते हैं, जैसे मान लो कि संध्या छाया है या कुछ ऐसा है जो बुजुर्गों की कहानी को छेड़ते हैं, और इसी तरह का जो वेलकम जिंदगी के बीच का जो संवाद था बाप बेटे का, माँ पति पत्नी का और फिर बच्चे को लेकर, तो वो ऐसा लगता है कि प्रत्येक घर की अपनी ही कहानी है उसमें चल रही है ना। जी तो और उस तरह से बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है पहले हर बात के, और फिर बात को उसको बात समझ आती है जैसे जैसे वो प्रौढ़ता की ओर बढ़ता है बच्चा धीरे धीरे अपने जिंदगी में। तो वो जो जी वेलकम जिंदगी वाला जो आपका नाटक है सच में वो बहुत दिल को छूता है और सबकी एक बार तो आंखें नम हो जाती है दर्शकों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत और कमाल। जी खास बात यह भी है कि वो सौम्य जोशी गुजराती नाटक है, क्योंकि इसी बारे में बात आई है तो मुझे हमेशा से लगता रहा है कि जो रीजनल भाषाओं के अंदर नाटक लिखे जा रहे हैं वो हिंदी तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं नाटक देखना और मेरी एक्सटेंशन की जॉब, उसके दौरान जगह जगह जाना और ये घूम करके देखने का जो मौका मिलता है, तो मुझे लगता है ये हिंदी में आने चाहिए। तो मैंने, आप देखिए कि बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, इन सब के नाटक हिंदी में आए, कितने अच्छे नाटक थे, और आज मेरा ख्याल कोई भी रंगकर्मी ऐसा नहीं है जो इन बड़े नामों को ना जानता हो, बादल सरकार से परिचित ना हो, विजय तेंदुलकर से परिचित ना हो, इन सारे लोगों के नाटक अगर ये ट्रांसलेट नहीं होते, अनुवाद नहीं होते, हिंदी में नहीं आते तो लोग नहीं करते। तो ऐसे ही मैंने व्रत्यवासु बंगाल का, उनका नाटक किया, और बंगाल से उनका पहली बार ये मंचन हुआ चतुष्कोण। सौम्य जोशी का नाटक मैं गुजरात से लेकर के आया तो गुजरात से हिंदी में ट्रांसलेशन किया तो लोगों को पता लगा सौम्य जोशी हैं। बाद में उनकी 102 नॉट आउट के पीछे मैं पड़ा रहा तो वो पता लगा कि वो उनकी फिल्म बन रही थी ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन साहब के साथ, तो वो उन्होंने कहा कि मैं, मेरे हाथ बने हुए हैं क्योंकि ये फिल्म बन रही है। अब जब फिल्म बन गई तो मेरा क्रेज भी खत्म हो गया, मैंने, अब चलो बाद में देखेंगे। सर एक चीज और जाननी चाहूंगा कि आपने जो है बाहर भी जो है डिजाइनिंग और जो है लाइट डिजाइनिंग से डिजाइनिंग का बहुत काम किया, और जी एनएसडी के बीच में भी आपका ये विषय रहा, तो हम ये भी कई बार जानते हैं या ऐसा हमें तो लगता ही है कि जब आदमी किसी इंस्टीट्यूट में होता है तो वहाँ बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, और जब वहाँ से इंस्टीट्यूशन से बाहर आ जाता है तो वो सुविधाओं का अभाव हो जाता है। तो ऐसे अभाव में किस तरह से काम किया जाए, ये एक गुर अगर आप हमारे सभी दर्शकों को, सभी रंगकर्मियों को अगर इसका एक कोई खास विशेष बताएं कि अगर ऐसा करने से हम कम समय में और सीमित साधनों के साथ भी अच्छा कर सकते हैं, डिजाइनिंग के तौर के ऊपर, लाइटिंग के तौर के ऊपर, सेट के तौर के ऊपर। एक अक्सर शिकायत रहती है कि हमारे पास कोई इस तरह का बैंक नहीं है जहाँ से हमें सेट मिल सके, इस तरह की कोई वो नहीं है, हर जगह के एडिटोरियम की बहुत सारी सीमित जगहें होती हैं या लाइट्स की होती हैं। तो ऐसे समय में क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है एक डिजाइनर के तौर के ऊपर, एक शिक्षक के तौर के ऊपर? जी, मेरा नाट्य अध्यापन से भी आप जानते हैं कि बड़ा लंबा मैं उसके साथ जुड़ा रहा हूँ, तो थिएटर की शुरुआत से लेकर के अभी तक जो चीज़ें आई हैं हम सब जानते हैं। जब हम पढ़ते हैं, हम में से काफ़ी लोगों ने ट्रेनिंग ली हुई है। ग्रीक नाटक देखिए, ग्रीक जो ट्रेजेडीज हैं, एडिपस हुआ, ये सब हुआ, ये कितने स्ट्रांग नाटक हैं, लेकिन जब ये इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो पता लगता है ये सब ओपन में खेले जाते थे, दिन के समय खेले जाते थे, कोई उसकी कोई खास दृश्य सज्जा नहीं होती थी, बनी हुई रंगशालाएं होती थी, कोई लाइटिंग नहीं हो सकती थी, सूरज की रोशनी में खेले जाते थे। तो जहां जैसा हो उसके अंदर उसकी संभावना को तलाशना आना चाहिए। और मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं
चूंकि वर्कशॉप भी करी मैंने, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना होगा जहां मैं नहीं गया, तो हर स्टेट में हर जगह रंगकर्मियों के पास अपने अपने साधन हैं, अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशन को पहचान करके करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि जब आपके पास हैं आपको उन चीज़ों का उपयोग की अगर ज़रूरत है तो वो करना चाहिए। ये तो वैसा ही हो गया सुदेश जी, जैसे हम नथु स्वीट में जाएं, नथु स्वीट ने तो पूरी सारी मिठाइयाँ सजा के रखी हुई हैं, अगर आप सारा कुछ एक साथ खा लेंगे तो भगवान ही मालिक है, तो आपको तो उतना ही लेना पड़ेगा जितनी आप हजम कर सकते हैं। माफ कीजिए, तो आपके पास साधन जितने भी हो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर भी या किसी और बड़ी संस्था के अंदर भी, लेकिन आपको उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी की आवश्यकता हो। जब आवश्यकता से ज्यादा आप करेंगे तो नाटक उसके अंदर खो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे अलावा बहुत सारी किताबों में भी लिखा हुआ है, थिएटर की किताबें जो हम पढ़ते हैं समझते हैं सब में यही लिखा हुआ है कि नाटक अभिनेता, नाटक का कथ्य महत्वपूर्ण है, नाटक किस तरीके से आए, जो टेक्निकलिटीज हैं, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हैं। आप उतना ही इस्तेमाल करें जितनी उसकी ज़रूरत हो, ना इतना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर लें कि ये सब है इसको इस्तेमाल करें तो पता लगा सेट डिज़ाइन दिख रहा है, नाटक और अभिनेता कहीं उसके अंदर दिख नहीं रहे, तो ऐसा वो शायद ठीक नहीं है। तो अपनी अपनी सोच है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की स्थितियां क्या हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आप कहीं जाएंगे दूर दराज के कस्बों के अंदर, वहाँ इक्विप्ड ऑडिटोरियम नहीं है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइटें नहीं हैं, तो वहाँ पर हम कैसे करें। अब मैं अपना नाटक वेलकम जिंदगी जिसकी आपने बात की, आपने देखा भी है, तो कभी भी जहाँ पर भी हम गए इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो वहाँ आराम से हो जाए, हमने कोई उसके लिए अतिरिक्त हमारी कोई डिमांड नहीं होती थी। आपने सेट देखा, बड़ा सिंपल सा सेट होता है जो कहीं पर भी मिल सकता है, दो चार ब्लॉक हैं, कुछ बैठने की जगह है और एक आध दीवार लगा दी, किचन भी दिख रही है तो दिख रही है, पीछे क्या है वो किसी को नहीं मालूम, जितनी लाइट हो उसके अंदर उसका प्रभाव आप पैदा कर सकें। एक अनुभव के बाद ये क्षमता आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि छोटे शहरों में अभी भी जो हमारी राष्ट्रीय अकादमियां हैं या स्टेट अकादमियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा नए बच्चों के लिए थिएटर वर्कशॉप करनी चाहिए, जो उनको एकदम हाई फाई चीज़ें क्या हैं उससे भी परिचय कराएं, और साथ में इसका भी ध्यान दें कि भैया तुम जिस गांव से हो वहां तुम्हें उस गांव में जाकर के अपना रंगकर्म करना है तो उसको मत भूलो, और वहां कैसे करोगे उसके सवाल जवाब उस कार्यशाला के अंतर्गत उन बच्चों को सिखाए जाएं। ये नहीं कि मतलब थोड़ी सी ट्रेनिंग लेने के बाद आपने बच्चे को बिगाड़ दिया कि इसके बिना नाटक होगा ही नहीं, तो ये मेरे ख्याल से एक गलत तरीके का संस्कार हो जाता है, बल्कि इसके लिए तैयार करना होगा बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को, कि वो किसी भी परिस्थिति में किन्हीं भी संसाधनों में नाटक कर पाए। तो नाटक तो हमेशा होता रहेगा, होगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सर आपने ये बात बताई, और एक जो आपने एग्जांपल के तौर के ऊपर एक नाटक आपने अपने ही नाटक जो आपका निर्देशक था वेलकम जिंदगी के बारे में बताया, तो वेलकम जिंदगी आपका नाटक मैंने दो परिस्थितियों में देखा, एक तो अच्छे एडिटोरियम में देखा, बड़ा अच्छा प्रभाव था उसका, और दूसरा करनाल के पास एक गुरुद्वारा का एक स्कूल था, ओपन में था, वो टेंट लगा हुआ था, ऐसा स्टेज था, उसके ऊपर उसका मंचन देखा, तो वहां पर भी प्रभाव किसी तरह से कम नहीं था जी, वहां पर भी प्रभाव बड़ा अच्छा था, वो एक नया प्रयोग होगा आप सबके लिए भी, लेकिन वो खुले में भी देखकर भी बड़ा आनंद आया, और जितने वहाँ दर्शक थे उस गांव के और सबने बहुत मतलब उसको उसका आनंद लिया उस पूरे नाटक का। तो जैसे ही अभी आपने वेलकम जिंदगी का नाम लिया तो मेरे एकदम दो एक्सपीरियंस जो हैं मेरा खुद के वहाँ आपके उस नाटक को देखे हुए एकदम मेरी आंखों के आगे से। जी बिल्कुल, करनाल का नाटक आपने ही करवाया था, और मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा नाटक है तो उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए वो किसी भी परिस्थिति में सादे मंच पर भी हो पाए। तो एक ही नाटक नहीं, मैंने तो बहुत सारे ऐसे नाटक किए, और अभिनेताओं के साथ हमेशा संवाद रहता है, अगर मैं नहीं भी गया तो सर यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हैं क्या करें। तो एक तो ये अच्छी बात होती है कि ज़्यादातर सब ट्रेंड लोग हैं और फिर इससे भी गुजर चुके हैं कि हमारी परिस्थितियाँ क्या हैं, हमें
छोटे से छोटे गांव में जाकर के भी नाटक करना है तो उनके साधनों के साथ उनको समझना होगा, नाटक को करना होगा। बात है अपनी बात पहुंचाने की, अपना तथ्य पहुंचाने की, हम जो कहना चाहते हैं वो पहुंचाने की, वो पहुंच गई तो हमारा प्रयोग सफल हो गया। और इसके लिए मुझे लगता है नए बच्चों को भी तैयार रहना चाहिए, तभी वो आगे काम ज्यादा बढ़ पाएगा, नहीं तो हम बड़े शहरों में प्रोसीनियम के अंदर फंसे हुए रहेंगे। जी जी यही यही एक कारण है कि उसमें बहुत ज्यादा हम जाके प्रोसीनियम के आके उसकी टेक्निकल चीजों में आके फंस जाते। सर एक बस लास्ट हम बात करते हैं आपसे कि आपके अपने जीवन का सेट और लाइट डिजाइनिंग के तौर के ऊपर, एक डिजाइनर के तौर के ऊपर आपकी सबसे बेहतरीन ऐसी कौन सी प्रोडक्शन है जिसमें आपको लगता है कि इस लाइट के साथ ये हिस्सा ऐसे निकला, वो ऐसे निकला, या ऐसे सेट के कारण ये चीजें बहुत निकल कर आई, ऐसा कोई भी जो आपका बहुत करीब हो मन के और जिसकी आप अक्सर चाहते हो कि इसकी मैं एग्जांपल दूं कि ऐसे भी चीज निकलती है, ऐसे भी क्रिएट होती है कुछ? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया सुदेश जी। एक माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे बराबर होते हैं, तो ऐसा कोई, मुझे लगता है कि हर परिस्थिति के हिसाब से जो भी मैंने नाटक किया, उसका जो भी सेट डिजाइन किया, वो चाहे अपने नाटक का किया, बल्कि अपने से ज्यादा चैलेंज ये होता है जब आप दूसरे निर्देशक के लिए डिजाइन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से भारत का या विदेश का कोई भी ऐसा स्थापित निर्देशक नहीं होगा जिसके साथ मैंने सेट डिजाइन ना किया हो या कि लाइट डिजाइन ना किया हो। वो किसी को भी आप ले लें, मोहन महर्षि, बीवी कारंत, प्रसन्ना, एम के रैना, बंसी कॉल, नीलम, अलखनंदन, और भी बहुत सारे वैसे होंगे, अंकुर जी, और हमारे जितने भी वहाँ साथी थे, राजेंद्र गुप्ता, इन तमाम लोगों के साथ हमने काम किया, तो उसका भी एक चैलेंज होता है। और मुझे लगता है सबका डिज़ाइन मैंने पूरी पैशन के साथ किया और वो मेरा काम, मेरे जो भी निर्देशक थे, सब निर्देशकों ने मेरे काम को सराहा, समझा, और निर्देशकों के साथ साथ उसको जो दर्शक थे उन्होंने भी खूब पसंद किया, खूब अपनाया। तो मैं कोई एक ऐसा फर्क नहीं कर पा रहा हूँ कि इस वक्त मैं क्या बोलूँ, लेकिन नाटक के जो कुछ लम्हे होते हैं, क्योंकि वेलकम जिंदगी आपने देखा, तो उसके अंदर जो वो टोटल डिजाइन की हम बात करें, उसके अंदर म्यूजिक या जो आखिर में बाप की जो स्पीच है, उसके ऊपर दर्शकों को एक इमोशन में लेकर के जाना कि वो इमोशन में बाप के साथ जुड़ जाएं, उसकी साइकी के साथ जुड़ जाएं, और फिर एक झटके से उनको निकाल भी देना कि अच्छा भाई ये तो नाटक था और नाटक खत्म हो गया, और वो सब उस एक थॉट से, उस इमोशन से एकदम बाहर आ जाएं। तो इस तरीके के मूवमेंट होते हैं जिसके अंदर सेट तो नहीं, लेकिन ओवरऑल एक डिजाइन की बात है जिसके अंदर साउंड डिजाइन भी था, उसके अंदर लाइटिंग भी थी, सेट भी था, और ऑब्वियसली एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग के बिना थिएटर के अंदर तो सारी चीजें अधूरी हैं। क्योंकि अगर अभिनेता जो है, अभिनेता के बिना, अभिनेता को सपोर्ट करने के लिए सारी चीजें हैं, सेट डिजाइन, तो अभिनेता मुझे लगता है कि नाटक का एक मुख्य चीज है। अभिनेता के बिना रंगमंच नहीं, कि खाली डिजाइन तो कुछ नहीं करेगा। तो जहां तक डिजाइन की बात है, मुश्किल सवाल है, और मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कुछ बता पाया हूँ, लेकिन संतोष नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हर, आपने सही बात बोल दी कि हर माँ के लिए सभी बच्चे, छोटा बड़ा मंझला, सब एक बराबर है, तो किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकती। आपकी अपनी जो जिन लोगों के साथ भी अभी आपने नाम लिया सबने से, और किसको आप छोटा बड़ा या प्रिय नहीं कह सकते, सबके साथ अपने पैशन के साथ काम किया, और हमें इसलिए भी खुशी है कि हमने वो सब काम देखा हुआ है, दुनिया ने वो काम आपका देखा हुआ है। तो सर एक बस अब लास्ट, चलते चलते जितने भी हम लोगों के साथ रंगकर्मी जुड़े हैं, और रंगकर्मियों के लिए एक कोई संदेश, ऐसा संदेश कि वह अपना रंगकर्म भी करते रहे, ऐसी जब भी परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो उसमें अपना मनोबल बना के रखें, अपना काम निरंतर चलता रहे उनका, ऐसा कोई एक संदेश, ऐसा एक कोई विचार आप देते हैं? मेरे ख्याल से आप सब लोग काम करते जाइए, काम करते जाइए, किसी रुकावट को अपने लिए ये मत मानिए कि ये मेरे लिए रुकावट है,
तो अगर आप जब अपने दिमागी तौर पर ये मान लेंगे कि ये रुकावट है तो आप रुक जाएंगे, रुकना नहीं है चाहे कोई भी परिस्थिति हो। वर्ष से वर्ष क्या होगी, देखिए खाने की दिक्कत हो सकती है, तो क्या हम दो टाइम का खाना, तो इतनी दोस्ती होती है हमारे रंगमंच के परिवार में, तो उसकी चिंता आप निकाल दीजिए, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कहीं ना कहीं से गुजारा हो जाएगा। जब आप काम करेंगे तो दो चार पैसे से आपकी शुरुआत भी हो जाएगी कहीं। आज तो इतने मौके हैं, आप कल्पना कीजिए कि 30-40 साल पहले जब दूरदर्शन नहीं था तो हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, थिएटर, और थिएटर के बाद सीधा सिनेमा था, थिएटर के बाद सीधा सिनेमा था, और सिनेमा भी इतना ज़्यादा ग्लैमरस था कि उसके अंदर जाना करना वो एक अलग ही दुनिया थी। तो वहाँ जो सीरियस थिएटर वाले थे बहुत कम गए ही नहीं। तो अब तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, टेलीविज़न है, प्राइवेट सीरियल है, OTT है। तो आप 2-3-4 साल मन लगा के अगर आप अभिनेता हैं अभिनय कीजिए, काम मिलेगा, निर्देशक हैं आपको काम मिलेगा, आप सेट डिज़ाइन करते हैं आगे आपके आर्ट डायरेक्शन के मौके बनेंगे। आप बस ईमानदारी से उसके साथ जुड़िए और काम मांगिए कि मैं ये काम करता हूँ भाई, है तो मुझे दो, तो मिलेगा आपको। बहुत बहुत अच्छा संदेश, हमें अपने ईमानदारी से निष्ठा के साथ कोई ना कोई जो भी आप काम करते हैं जीवन में उस काम में लगे रहें। मित्रों, आज का हम रंग संवाद का ये समाप्त करते हैं। एक बार आप सबकी ओर से, EFP परिवार की ओर से प्रोफेसर सुरेश भारद्वाज जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय देकर हम सबको रंगमंच के बारे में अवगत किया। एक बार फिर धन्यवाद सुरेश जी।